पॉड ऑफ अ सर्कल जो है आपका, दैट इज सर्कमफ्रेंस पे एनी टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू, और आप क्या करते हो उनको ज्वाइन कर देते हो। ए और बी मान लो हमें सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स गिवन है, तो एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस जो है दैट इज अ कॉर्ड, एंड यू नो दैट कि जो डायमीटर है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इट डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको हम सी डी ले लेते हैं। तो ए बी जो है वो कॉर्ड है, सी डी इज ऑल्सो अ कॉर्ड, सी डी बींग अ डायमीटर क्योंकि सेंटर में से पास कर रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। ये हमारा जो है आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है, तो ये ध्यान से करना। टेंजेंट जो है हमारा, जब हम बात करते हैं कि टेंजेंट टू टू अ सर्कल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें ये पॉइंट गिवन होता है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे टेकिंग ओ ए एज बेस हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है आपकी जो ये लाइन बनेगी दैट विल बी द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। तो एल लाइन जो है दैट इज द टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, हमेशा ये जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बनता है, उसको मतलब टच करती हुई जाती है वो लाइन, और सर्कमफ्रेंस जिस पॉइंट पे ये इसको टच करती है सर्कल को, अगर उस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करें तो ये एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री का। तो इट मींस जो लाइन है दैट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए, अगर वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, देन दिस लाइन एल विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। अब अगर यही चीज हम ऐसे ले लें, ये आपने पहले किया भी होगा, दिस वन इज द सीकेंट सीकेंट लाइन होती है ये, कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे जब आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो जब ये लाइन जो है इसके ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये सर्कल को कट कर रही है, जब ये दोनों पॉइंट्स इसके कॉइंसाइड कर जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट बन जाता है उन दो से, देन जो आपका सीकेंट है दैट गेट्स चेंज्ड इनटू द टेंजेंट। तो सीकेंट जो है दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जब ये दो पॉइंट्स आपके कॉइंसाइड कर जाते हैं देन द सीकेंट बिकम्स द टेंजेंट। अब टेंजेंट नेक्स्ट है जो हमारा, टेंजेंट जो है दैट कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन इन एनी वे, क्योंकि हमारे पास सर्कल के ऊपर वी आर हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में किसी भी एक पॉइंट पे जब हम रेडियस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ टेंजेंट। तो आपका जो टेंजेंट है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, लेकिन सर्कल को टच ये एक ही पॉइंट पे कर रहा है, इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल। अब हमारे पास है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। देखो, अगर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, अगर हमें सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर हमें मान लो कोई पॉइंट पी गिवन है, अगर हम चाहें कि इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें रेडियस के साथ, तो ये चीज बनेगी। अब क्योंकि ये लाइन टू पॉइंट्स पे टच कर रही है सर्कल को, तो ये टेंजेंट नहीं है, दिस इज अ सीकेंट लाइन। तो अगर पॉइंट हमें सर्कल के अंदर गिवन है तो देयर विल बी नो टेंजेंट, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट हमें सर्कल के ऊपर गिवन है देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एंड इफ वी आर गिवन द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। सो इफ द पॉइंट लाइज इन साइड द सर्कल देन देयर कैन नॉट बी एनी टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन।
इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, कहीं पे भी एक पॉइंट जब सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट. इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, देन देयर कैन बी टू पॉइंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू द गिवन सर्कल. तो ये तीन ही कंडीशंस होती हैं, या पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा, और इट विल लाई ऑन द सर्कल, और इट विल लाई टू द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी 0, 1 एंड 2. तो मैक्सिमम आप एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो. उसके बाद जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखो, ए पी, यानी कि अच्छा उससे पहले एक चीज और देखो कि जहां पे ये टेंजेंट और रेडियस मीट कर रहे हैं, यानी कि इनका जो आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है. अब जो इसमें आता है कि हमने निकालनी है यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जब पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ए पी एंड बी पी. ये जो डिस्टेंस ए पी है और ये जो डिस्टेंस बी पी है, दीज रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. और एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो ये दोनों की दोनों लेंथ्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो सेम पॉइंट से व्हेन एवर यू ड्रॉ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, व्हेन एवर यू ड्रॉ द टेंजेंट्स, देयर लेंथ्स विल बी इक्वल. तो डिस्टेंस एपी जो है, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बीपी. और लेंथ कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, जो आपको गिवन पॉइंट है उसको. सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. So I hope this one is clear. एक आपको ये इसमें याद रखना है कि जब आप रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ज्वाइन करते हो टेंजेंट के, तो दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. रिवर्स भी है कि इफ अ लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द रेडियस, देन जो है ये लाइन इसकी टेंजेंट होगी. या आपको अगर गिवन है कि ये टेंजेंट है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा. तो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. या अगर आपको वो गिवन है, परपेंडिकुलर है, अ लाइन इज परपेंडिकुलर थ्रू द अ लाइन इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द रेडियस, देन द गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. तो कन्वर्स भी ट्रू है, और जो थ्योरम है कि अगर वो परपेंडिकुलर है, तो दैट विल बी अ टेंजेंट. Then number of tangents हम कर चुके हैं, that will be 0, 1 और 2. उसके बाद है कि ये देखो, जब point आपका यहाँ पे lie कर रहा है circumference पे, then only one tangent can be drawn. अब exercise 10.1 पे आ जाओ. Exercise 10.1, question number 1. We are having first question, how many tangents can a circle have. एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं. अब आपको देखो यहाँ पे गिवन नहीं है कि पॉइंट कहाँ पे है, तो आपको मैक्सिमम नंबर बताना है. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड गिव द आंसर. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? यस ऋषित, यू कैन अनम्यूट, जस्ट अ मोमेंट. यस बेटे. गुड मॉर्निंग मैम. मैम इनफाइनाइट. इनफाइनाइट, ओके. ध्रुव मेहता, इज ही राइट? यस मैम. व्हाई मैम? हम मतलब जितने मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं मैम, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है एक. यस, क्योंकि स्पेसिफिक आपको यहां पे पॉइंट गिवन नहीं है कि पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, या पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल. तो यू आर टू गिव द मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम में वो आपका जो मिनिमम वाला है, दैट विल आल्सो बी कवर्ड. तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब हमें पॉइंट ऑन द सर्कल गिवन होता है, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स. तो इट मींस इसका आंसर जो आपका आएगा, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स. सो सेकंड, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट. टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट. यस राघव.
यू कैन अनम्यूट. यस बच्चे. मैम वन पॉइंट. वन पॉइंट वाई. यस वाई इज इट सो बेटे. You can unmute yourself, Raghav. I have given the option, or anyone else who would like to give the answer. You can unmute yourself. A tangent to a circle. Tangent एक ही point पे intersect करता. हाँ, क्योंकि tangent जो है, चाहे वो circle के ऊपर point हमें given है, चाहे वो circle के बाहर point given है, जब हम वहां से tangent draw करते हैं तो वो उसको एक ही point पे cut कर रहा है. एक ही point आपका ऐसा होगा जिसपे वो रेडियस के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का. सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट ओनली. देन द सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सर्कल. को अगर एक लाइन टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन है टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो व्हाट इट विल बी कॉल्ड? सीक्वेंट. यस, इट विल बी कॉल्ड अ सीक्वेंट. थर्ड फिलअप, a circle can have dash parallel tangents at the most. At the most, circle pe hum kitne parallel tangents draw kar sakte hain? Two. Anyone else? Or all of you agree with this two? देखो, जब हमें ये क्वेश्चन आया कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो इट मींस हमने टेंजेंट्स को आपस में चेक करना है कि वो कितने पैरेलल टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो. अब हमें पता है कि एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वाले जो दोनों हैं ये आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं. सेम वे में मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये वाले दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, बट आपस में वो दो ही पैरेलल हैं, तो इसका आंसर आपका टू आएगा. यू वोंट गिव द आंसर एज इनफाइनाइट. तो ये चीज का ध्यान रखना है. उसने हमें कहा अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो आपस में पैरेलल बताना है, तो आपस में टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल. यस ऋषित, इफ एनी डाउट इज देयर बच्चे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट. The common point of a tangent to a circle and the circle is called. Common point of a tangent to a circle and the circle is called. Yes, Amrit. Point of contact. Yes, it is called the point of contact. Common point हमने निकालना है, किस किस का है, tangent का, सर्कल के साथ जो है, that is called the point of contact. This is the point of contact. Now third question में भी आया. बच्चे आपको यहाँ पे क्या गिवन है, कॉमन पॉइंट, किस किस का कॉमन पॉइंट है ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल. ये आपका गिवन है कॉमन पॉइंट, किस किस का है ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल. ये टेंजेंट इस सर्कल पे है एंड द सर्कल, और सर्कल पे है, तो ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. Is this clear, bache? Yes, ma'am. Okay. Now the third question. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm. We are to find the length PQ. हमें अब क्या गिवन है यहाँ पे कि PQ एक टेंजेंट है पॉइंट P पे, जिस सर्कल पे ये टेंजेंट है उसका रेडियस हमें गिवन है 5 cm, और साथ में वो क्या कह रहा है कि थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 cm, we are to find the length PQ. तो फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे इसकी. हमें सर्कल गिवन है रेडियस 5 cm.
उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि ओ क्यू सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड वी आर टू फाइंड द लेंथ पी क्यू. तो ये हमारी फिगर बन रही है. आप किसी भी साइड इसको ले सकते हो, दैट इज अप टू यू. तो टेंजेंट पी क्यू था हमारे पास. टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू एंड so that OQ is 12 centimeter. ये distance हमें 12 centimeter given था. Length PQ हमने निकालनी है. अब देखो हमें पता है जो radius है that is perpendicular to the tangent. तो you can calculate. आपका ये POQ जो है वो right angle triangle बन रहा है OPQ. तो जिसमें आपके पास 90 के opposite base 12 centimeter hypo 90 के opposite hypo 12 centimeter given है. OP perpendicular आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड यू आर टू फाइंड PQ. सो आई गेस यू कैन फाइंड आउट कितना आएगा. पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ट्राइंगल OPQ में तो OQ स्क्वायर 13 आएगा. हां जी 13 आएगा. नो no. आपका 119. सो पी क्यू विल बी 119. जो भी यूनिट है आगे वो आप लिख दोगे. That is in centimeter. So this is root 119 centimeters. उसके बाद question number 4. This third question you will do in your notebook. First and second book में ही pencil से कर लेना. Question number 4 में वो क्या कह रहा है? Draw a circle. आपने क्या करना है? एक circle draw कर लेना है. किसी भी radius का आप circle draw कर सकते हो. क्योंकि यहाँ radius mentioned नहीं है. 4 centimeter, 5 centimeter, that is your wish. उसके बाद वो क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंट. अब सर्कल ड्रॉ कर लेना जो भी रेडियस आप लेना चाहते हो. मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर का ले लिया. तो अब हमें क्या है, उसने क्या कहा? ड्रॉ अ टेंजेंट एंड सेकेंट पैरेलल टू अ गिवन लाइन. तो गिवन लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे. लेट दिस गिवन लाइन बी एल. अब इस लाइन के पैरेलल और सीकेंट और टेंजेंट आई हैव टू ड्रॉ. तो इस लाइन के पैरेलल आपका टेंजेंट एंड इस लाइन के पैरेलल सीकेंट. सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें जो M है लाइन दैट इज द टेंजेंट, जो ए बी है इसको चाहे आप लाइन N ले लो दैट इज द सेकेंट. टेंजेंट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का शो कर देना. सो एक आपका टेंजेंट हो गया, एक पैरेलल सेकेंट हो गया. दिस वॉज द गिवन लाइन. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4. सो आई गेस दिस वन इज क्लियर. अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें हम ये कर चुके हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि number of tangents from a point on a circle. If the point lies inside the circle, then there will be no tangent. If the point lies on the circle, there will be one tangent. If the point lies outside the circle, then there will be two tangents. अब theorem करेंगे हम. Theorem जो है वो हमें given है. Length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अभी मैंने आपको just वैसे बताया था कि फिगर ड्रॉ करके कि AP इक्वल टू BP है. नाउ वी विल शो, वी विल प्रूव कि ये कैसे इक्वल है. सो गिवन सर्कल है, उस पे टू टेंजेंट्स
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट पी ले लिया मैंने यहाँ पे, पी से एक टेंजेंट आप इधर ले लेना, ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा यहाँ ले लेना बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ज्वाइन किया हमने ओ ए और ओ बी को, एंड वी आर टू शो दैट दिस लेंथ ए पी इज इक्वल टू बी पी. ये दोनों लेंथ हमें इक्वल शो करनी है. सो व्हाट वी विल डू, we are having two triangles over here, if we prove these two triangles to be congruent then jo hamara purpose hai wo solve ho jayega. Triangle banegi oap and obp. ab hame condition ye pata hai ki jo radius hai wo point of contact pe tangent ke sath 90 degree ka angle banata hai. to ek triangle ho gayi hamari oap and second triangle ho gayi hamari obp. ab oap aur obp mein OA और OB, these are the radii of the same circle, so these will be equal. Then ये angle 90 degree, and the third condition, OP equal to OP congruent. अब देखो ओ ए और ओ पी ओ बी जो है दिस रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल, दिस इज द राइट एंगल, एंड ओ पी 90 के अपोजिट इज द हाइपो. तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब बाय सी पी सी टी, ए पी इज इक्वल टू बी पी. सो ये आपका थ्योरम था 10.2. The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Length of the tangent आपने बस ध्यान रखना है, ये जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है और जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये पूरी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस डिस्टेंस ए पी एंड दिस डिस्टेंस बी पी आर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स. इनको हमने इक्वल शो करना था तो सिंपली हमने जो राइट ट्राइंगल्स इनसे बन रही थी उनको कॉन्ग्रुएंट शो किया एंड हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. उसके बाद जो है एग्जांपल वन देखिए इसका. प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो एग्जाम्पल वन है बुक में आपका पेज नंबर 211 पे. अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो फिगर आपका इस तरीके से बन जाएगा. कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इनका सेंटर जो है दैट विल बी सेम. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो ये हमने बिगर सर्कल की कॉर्ड बना दी, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है. तो हमें ये बताना है दैट कॉर्ड जो है वो दैट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. एनी वन ऑफ यू, यू कैन ट्राई. क्वेश्चन दोबारा समझाना क्या है ये क्वेश्चन में. क्वेश्चन में बेटे गिवन है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. यानी कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लिए, ये कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लेट मी एक्सप्लेन, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल. अब हमें ये बताना है जो ये कॉर्ड है दैट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी वी आर टू शो. हमें प्रूव करना है दैट ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे. हाँ जी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे पहले. ओके, क्या होगा उससे,
इनको एक को प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रेंसी से मैम, एक तो कॉमन आ जाएगा और एरिया से वो और ये भी। थर्ड कंडीशन क्या बोली आपने मैम? एक रेडियस आ जाएगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, तो OA और OB वो रेडियस हो जाएंगे। ओके ओके ओके, तो ये 90 डिग्री कहां से लिया आपने? मैम टेंजेंट है तो 90 हो गए। टेंजेंट इज इट गिवन, इज इट गिवन दैट इट इज अ टेंजेंट? यहाँ आपको गिवन था कि ये लाइन टेंजेंट है, क्या कंसेप्ट यूज किया आपने? एंगल 90 डिग्री इज करेक्ट, बट कंसेप्ट आपका क्या यूज हुआ वो थोड़ा सा रेक्टिफाई करिए, क्योंकि टेंजेंट हमें गिवन नहीं है। वी आर टू शो दैट इट इज अ टेंजेंट। हाउ विल यू शो? दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइन ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये एंगल हमारा कितना आता है? राइट एंगल। ठीक है, तो इट मींस कि जो ए बी है दैट विल बी अ टेंजेंट। अदरवाइज टेंजेंट वर्ड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लेंगे कि कॉर्ड ए बी इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पे उसको कट कर रही है, और जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पॉइंट पे वो टच कर रही होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं देन दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इट मींस ओ पी जो है आपकी वो किसके परपेंडिकुलर आ गई? ए बी के। अब OP क्योंकि AB के परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे? यहाँ ये ट्राइंगल वगैरह वाला कुछ कंसेप्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस सर्कल को अब आप भूल जाओ। अब आपने सोचना ही नहीं है कि ये सर्कल आपको गिवन है, यानी कि अब आप ये फिगर पे आ गए। अब क्या कंसेप्ट लगाए यहाँ पे? दिस यू हैव डन इन 9th standard. Mam, perpendicular drawn from center bisect the line into two equal parts. Yes, perpendicular drawn from the center to a chord bisects it. So perpendicular drawn from the center, क्योंकि ये एंगल हमने प्रीवियस वाले को यूज करके शो कर दिया कि 90 डिग्री का है, टेंजेंट बन रहा था क्योंकि ये, तो ओ पी परपेंडिकुलर हो गया ए बी के। OP perpendicular हो गया AB के means line drawn from the center या perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord. तो bisects the chord मतलब AP is equal to PB. Yes, Jasleen? Okay, fine. वो पहले किया था. Okay, no problem. So I guess this example one is clear to you now. Moving on to example number two. Example number 2 mein we are having now the two tangents TP and TQ are drawn. Two tangents hain hamare paas TP and TQ, inko draw kiya jata hai in such a way. Inko hum is tarike se draw kar rahe hain. A circle with center O from an external point P. Prove करना है that angle PTQ is twice of angle OPQ. This is a very important question. Board में काफी बार आया हुआ है. लिख लो इसके ऊपर important ताकि जब आप revise करो तो आपको पता हो कि ये हमने करना ही करना है. हमें गिवन है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. तो ये हमने सर्कल ले लिया, सेंटर इसका हमें O गिवन है, और एक्सटर्नल पॉइंट T से हमने दो टेंजेंट्स लिए इसके TP एंड TQ. अब हमें क्या शो करना है दैट एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू. तो एंगल टी पी क्यू पी टी क्यू this we are to show. Yes, can you try? ये दोनों एंगल्स
जो है हमारे को गिवन है, पीटीक्यू हमने शो करना है, दैट इज डबल ऑफ ओपीक्यू. इस एंगल को मैं एक्स या थीटा मान लूं अगर, या टू एक्स भी आप ले सकते हो क्योंकि ट्वाइस जो है वो गिवन है. टीपी और टीक्यू आपके इक्वल टेंजेंट्स हैं, तो इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल बनेंगे. नाउ कैन यू गेस? चलो देखो, ये एंगल मैंने एक्स मान लिया. अब मुझे क्योंकि पता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो टी पी और टी क्यू जो हैं वो. अमृत, एनी डाउट बेटे? पहले मुझे ये बताओ, इज द स्टेटमेंट क्लियर टू यू और नॉट? स्टेटमेंट दोबारा देखो. हाँ जी, आपने साथ एंगल इक्वल कहा, वो कैसे किया? पहले एक बार स्टेटमेंट दोबारा देखो, फिर मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ आपको. स्टेटमेंट में हमें गिवन है TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन विद टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T. इस T पॉइंट से TP और TQ हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए और हमें शो करना है दैट एंगल PTQ इज डबल ऑफ दिस एंगल OPQ. तो हमने क्या किया, इस एंगल को, क्योंकि ये मुझे गिवन नहीं है, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चल रही हूँ, एंगल PTQ को मैंने x मान लिया. अब ये एंगल मेरा x है, तो उसके साथ मुझे ये कंडीशन गिवन है कि TP जो है दैट इज इक्वल टू TQ. अब TP इक्वल टू TQ का मतलब क्या है कि ये दोनों, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, यानी कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP. और इसके साथ साथ इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ ट्राइंगल TPQ में, तो दैट विल बी एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल मेरे पास x है, ये दोनों मेरे पास इक्वल हैं, तो इनको मैं रिप्लेस कर लूंगी, TQP को आई विल रिप्लेस विद TPQ. TPQ क्योंकि मैं इस वाले एंगल के साथ लिंक करूंगी इसको, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इन दिस वे. सो दिस इज 180 डिग्री, सो दिस इज एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ, इसको मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस x. तो एंगल TPQ आ गया आपका 90 माइनस x बाय 2. तो ये एंगल आ गया मेरे पास TPQ, ये वाला. अब इधर से देखो, मुझे एंगल किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ पी क्यू की. तो अगर मैं ये पूरा एंगल लेती हूँ, ये वाला, मुझे एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला, और ये पूरा एंगल कितना है मुझे पता है क्योंकि टेंजेंट के साथ बन रहा है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. और इसमें से भी मैं ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स बाय 2 निकाल चुकी हूँ, तो 90 में से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दिस एज एक्स बाय 2. 90 में से, क्योंकि ये पूरा एंगल आपके पास 90 है, 90 में से जब आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो यू विल बी हैविंग द एंगल ओ पी क्यू. तो ये 90 माइनस 90, ये प्लस x बाय 2 हो जाएगा, ये आ गया x बाय 2. x बाय 2 मीन्स ये x था और ये इसका, x बाय 2 का डबल करोगे तो दैट विल बी इक्वल. सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 2. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. Otherwise, the bell has gone, so I'm going to end. Ma'am. Yes, Vithi. Ma'am, exercise 5.1 में से third, fourth question या first, second question में से कोई homework तो नहीं करना? 5.1, just a moment. Oh, 10.1 sir. 10.1 में से बच्चा third question, third one. Okay. Ma'am, and आप इसकी theory भेजोगे या फिर ऐसे शुरू कर लेंगे? Just drop a message to me, फिर मुझे घर जाके याद आ जाएगा. I have to send. Okay. So any other doubt if anyone is having, तो you can ask. Otherwise, I am ending the meeting. So fine then. Thank you. Have a nice.